प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित गोरखपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं रेलवे प्रशासन ने भी प्रधानमंत्री द्वारा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाने के मद्देनजर अपनी कमर कस ली है। बुधवार को इस ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया गया और ट्रेन गोरखपुर से अयोध्या के लिए रवाना की गई। अपने तय समय से 5 मिनट पहले यह ट्रेन 8:15 पर अयोध्या पहुंच गई। 5 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन लखनऊ के लिए आगे बढ़ी और तय समय 10:20 पर 4:15 में लखनऊ पहुंची। ट्रायल से पहले मंगलवार को चेन्नई से आई इंजीनियरों की टीम ने ट्रेन का परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को गीता प्रेस में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने गोरखपुर आ रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। गीता प्रेस में आयोजित कार्यक्रम के अलावा प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर रेलवे ने भी तैयारियों के लिए कमर कस रखी है। तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी हैं। प्लेटफार्म नंबर 1 पर फिलहाल यात्रियों का आवागमन और ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया है। इसी क्रम में मंगलवार 4 जुलाई को 116 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का स्पीड ट्रायल किया गया, जिसे गोरखपुर से लखनऊ वाया अयोध्या चलाने की तैयारी है। ट्रेन की एक रैक शनिवार को दोपहर गोरखपुर पहुंच गई थी। स्पीड ट्रायल के लिए चेन्नई से गोरखपुर पहुंचे 4 इंजीनियरों की टीम ने पूर्वोत्तर रेलवे के इंजीनियरों के सहयोग से कोच का परीक्षण किया। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हरी झंडी दिखाए जाने से पहले मंगलवार 4 जुलाई को ट्रेन का स्पीड ट्रायल हुआ, जिसे गोरखपुर से बस्ती मनकापुर अयोध्या होते हुए लखनऊ तक संचालित होनी। गोरखपुर और लखनऊ के बीच की दूरी केवल 274 किलोमीटर है और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को गोरखपुर और लखनऊ के बीच यात्रा करने में लगभग 3:30 का समय लगेगा। भारतीय रेलवे द्वारा अंतिम टिकट की कीमत की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस टिकट की कीमत एक यात्रा के लिए लगभग 795 रुपए, एग्जीक्यूटिव चेयर कार एसी के लिए 1525 रुपए होगी। मंगलवार को गोरखपुर स्टेशन से सुबह 6:05 पर चलकर 6:58 पर बस्ती पहुंची। 2 मिनट के स्टॉप के बाद 7 बस्ती से चलकर 7:45 पर मनकापुर, 8:15 पर अयोध्या और 10:20 पर लखनऊ पहुंची। वापसी में यह ट्रेन लखनऊ से 7:15 पर चलेगी, 9:13 पर अयोध्या पहुंचेगी और 9:46 पर मनकापुर, 10:30 पर बस्ती और 11:25 पर गोरखपुर पहुंचेगी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।